अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राहिल अहमद और आप मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन डॉट 99 पर। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी एक्स रेज एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्स रेज पर बात करेंगे और प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज की बात करेंगे। इसके साथ साथ हम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज को भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम बात करेंगे यूजेज ऑफ एक्स रेज और एप्लीकेशन ऑफ एक्स रेज। तो सबसे पहली चीज आपको याद होनी चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय एक्स रेज, कि एक्स रेज का मतलब क्या है, कि एक्स रेज आप किसे कहेंगे। अगर आपने इससे पहले लेक्चर्स देखे हों, सीरीज ऑफ लेक्चर जो हमने शुरू की हुई है, इसमें आपने एक लेक्चर देखा होगा स्पेक्ट्रम एंड इट्स टाइप्स। जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया था, वहां पर हमने एक तरह की रेडिएशन लिखी थी दैट वॉज एक्स रेज, ठीक है। तो वहां पर आपको ये बात क्लियर हो गई कि एक्स रेज आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्स रेज क्या है जी? एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब कैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, कि ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कि जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो और इसके साथ एंड वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, कि जिनकी वेवलेंथ बहुत कम हो, कि ऐसी रेडिएशन जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो और वेवलेंथ बहुत कम हो, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आसान लफ्जों में आप याद रख लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इज नोन एज एक्स रेज। अब दूसरी बात कि एक्स रेज की वेवलेंथ की रेंज क्या आती है, तो उसको आपने याद रखना है कि इनकी वेवलेंथ की रेंज जो है दैट इज 10^-2 एंगस्ट्रॉम से लेकर एंगस्ट्रॉम, लेकर 10^+2 एंगस्ट्रॉम आती है, ठीक है। और इसको अगर आप नैनोमीटर में लिखना चाहें तो ये बनती है 0.001 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर, ठीक है। आप कोई एक सी वैल्यू याद रख लें ताकि आपको रीजन याद हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के किस रीजन से ये रेडिएशन बिलोंग करती हैं। तो सबसे पहली बात आपकी क्लियर होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये एक्स रेज होती क्या है। तो ये सबसे पहली बात आपकी क्लियर कि व्हाट डू वी मीन बाय एक्स रेज, कि एक्स रेज का मतलब क्या है, ये क्या चीज है, दैट्स ओके। नाउ द मेन थिंग हाउ एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड एंड हु फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस्ड एक्स रेज आर डिस्कवर्ड एक्स रेज। याद रखना है कि फॉर द फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट है WC Rontgen, इसने एक्स रेज को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया। रॉन्टजेन बेसिकली स्टडी कर रहा था कैथोड रेज। आपने पढ़ा था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब को यूज करके वहां पर प्रोड्यूस होने वाली कैथोड रेज को स्टडी कर रहा था। उस स्टडी के दौरान इसने एक्स रेज एक्सीडेंटली डिस्कवर की। हम ये कहते हैं कि 1895 के अंदर WC Rontgen ने एक्स रेज को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया। और इस लेक्चर के अंदर हम एक्स रेज को प्रोड्यूस करने वाले रॉन्टजेन मेथड की बात करेंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं एक्स रेज को प्रोड्यूस करने के, रॉन्टजेन मेथड है, कॉलेज मेथड है, बाय यूजिंग बेटेट्रॉन वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस एक्स रेज, बट आर मेन फोकस हेयर विल बी WC Rontgen मेथड। कि रॉन्टजेन मेथड पर हम बात करेंगे कि रॉन्टजेन ने एक्स रेज को कैसे प्रोड्यूस किया। तो प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, इसमें हम किसकी बात करेंगे, रॉन्टजेन मेथड। अब रॉन्टजेन ने कैसे एक्स रेज को प्रोड्यूस किया, दैट इज क्वाइट सिंपल इफ यू नो अबाउट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अगर आपको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का पता है, वो आपको अगर आता है, तो ये टॉपिक समझना आपके लिए बड़ा इजी है, ओके। आप याद रखना पहली बात कि ही यूज डिस्चार्ज ट्यूब, रॉन्टजेन ने डिस्चार्ज ट्यूब यूज की, ठीक है। अब डिस्चार्ज ट्यूब में
उसने उसी तरह से वही सेटिंग की। देखिए कहते हैं कि इस तरह से उसने एक स्पेशल किस्म की डिस्चार्ज ट्यूब ली, यू दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब। अब उसमें इसने एक साइड पे सेट कर लिया एनोड, ठीक है, दूसरी साइड पे उसने एडजस्ट कर लिया कैथोड, ठीक है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, ये उसका मेन स्टेप हो गया, ठीक है। एक बात, अब दूसरी चीज याद रखनी है कि इसने इस ट्यूब के अंदर जो वैक्यूम था उसको बहुत ज्यादा हाई रखा, हाई वैक्यूम। हाई वैक्यूम का मतलब है बहुत ही लो प्रेशर, कि इनसाइड दिस ट्यूब उसने गैस जो ली थी उसका प्रेशर बहुत ज्यादा कम रखा, अबाउट 0.001 मिलीमीटर ऑफ एचजी, इतना कम प्रेशर रखा और बहुत हाई वोल्टेज रखी, वेरी हाई वोल्टेज। ये दो पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं कि वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई रखी और जो इनसाइड एयर या गैस का प्रेशर था उसको बहुत कम रखा, ये क्लियर। और उसने याद रखें कि यहां पे ये जो एनोड था, ये एनोड एंड ये कैथोड, एनोड उसने लिया था हैवी मेटल का, हैवी मेटल एनोड, एनोड उसने किसका लिया था, हैवी मेटल का ले लिया, ठीक है। अब वो क्या ऑब्जर्व करता है, वो कहता है कि जब हाई वैक्यूम या बहुत लो प्रेशर और बहुत हाई वोल्ट, वोल्टेज उसने कितनी अप्लाई की, 30,000 से लेकर अबाउट 50,000 तक वोल्टेज उसने अप्लाई की, 30,000 से 50,000 वोल्टेज और 0.001 मिलीमीटर ऑफ एच ई के प्रेशर पे उसने ये देखा कि इस ट्यूब में एनोड से कुछ यूनिक किस्म की रेज प्रोड्यूस हो रही है, उन रेज को लेटर ऑन करेक्टराइज करके एक्स रेज का नाम दे दिया गया। अब कैसे हुआ, देखिए पहली बात याद रखना है कि जैसे ही ये हाई कंडीशंस दी जाती हैं तो इनसाइड दिस ट्यूब गैस की आयोनाइजेशन हो जाती है, आयोनाइजेशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस, ये पहली बात आप ध्यान में रखें कि अब जैसे ही इस ट्यूब के अंदर गैस के मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन होगी उससे क्या प्रोड्यूस होगा, उससे प्रोड्यूस होंगे कैटायन और इलेक्ट्रॉन। अब बीइंग पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये इन कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो कैटायन वहां पर प्रोड्यूस हुए कैथोड उनको अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। अब चूंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई है तो इस साइड से रिपल्जन और इस साइड से अट्रैक्शन की वजह से कैटायंस बड़ी ज्यादा स्पीड के साथ जाकर इस कैथोड पर स्ट्राइक करते हैं। अब जैसे ही ये कैटायन इस पर स्ट्राइक करते हैं यहां से एमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस कैथोड से प्रोड्यूस होंगे, अब ये कैथोड इतनी हाई पोटेंशियल वाला, ये इतनी हाई वोल्टेज वाला इन इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जब इतनी हाई स्पीड के साथ रिपेल होकर सीधे जाके टकराएंगे इसके ऊपर, इस एनोड के ऊपर, और ये एनोड अगर हैवी मेटल का है तो इससे यूनिक किस्म की रेज प्रोड्यूस होती हैं, जिन रेज को हम कहते हैं एक्स रेज। तो ये रॉन्टजेन का टोटल एक्सपेरिमेंट है कि उसके अंदर उसने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड के ऊपर उसने रखा हैवी मेटल, और उसने देखा कि जब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज और बहुत ज्यादा लो प्रेशर अप्लाई किया जाए तो एनोड की सरफेस से कुछ खास किस्म की रेडिएशन एमिट होती है, उन रेडिएशन को लेटर ऑन करेक्टराइज करके एक्स रेज का नाम दे दिया गया था, ठीक है। दैट वॉज टोटल एक्सपेरिमेंट ऑफ X-rays. I think now it is clear कि X-rays को रॉन्टजेन ने कैसे प्रोड्यूस किया था, ठीक है।
इसके बाद हम चंद एक मेन एक्सरेज की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि एक्सरेज क्या क्या प्रॉपर्टीज रखती हैं। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज की प्रॉपर्टीज के ऊपर हम बात करेंगे इसके बाद। सबसे पहली चीज याद रखना है कि एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी याद रखें कि एक्सरेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन लाइक कैथोड रेज, कैनाल रेज। एक्सरेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी याद रखना है कि एक्सरेज आर न्यूट्रल, एक्सरेज न्यूट्रल है, मीन दे कैरी नो नेट चार्ज। एक्सरेज के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से पास किया गया तो दे शो नो डिफ्लेक्शन। तो हम कहते हैं बिकॉज दे शो नो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करते। इट्स मीन दीज आर न्यूट्रल। ठीक है, नंबर फोर प्रॉपर्टी याद रखना है कि एक्सरेज शो डिफ्लेक्शन। ये एक रेडिएशन की प्रॉपर्टी है, एक्सरेज डिफ्लेक्शन शो करती हैं, रिफ्लेक्शन शो करती हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन भी शो करती हैं, ठीक है, और इसी के साथ साथ डायफ्रेक्शन भी शो करती हैं। एक्सरेज रिफ्लेक्ट भी होंगी, डायफ्रेक्ट भी होंगी और रिफ्रैक्ट भी होंगी। ठीक है, नंबर फाइव जो प्रॉपर्टी है याद रखना है कि एक्सरेज कैन प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस। कि जब भी किसी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर या किसी इस तरह के मटेरियल के ऊपर आप इनको बम्बार्ड करेंगे, स्ट्राइक करवाएंगे, तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, दीज आर दी सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्सरेज के यूजेस क्या क्या हैं, इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ एक्सरेज पर बात करते हैं। नाउ यूजेस ऑफ एक्सरेज। सबसे पहला यूज मेडिसिनल फील्ड में। मेडिसिनल फील्ड में एक्सरेज का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। ठीक है, याद रखना है कि किसी भी बॉडी के अंदर या बॉडी के अंदर या बोन के अंदर फ्रैक्चर को लोकेट करने के लिए, टू लोकेट फ्रैक्चर आर स्टोन इन बॉडी। कि बॉडी में बोन्स में फ्रैक्चर को लोकेट करने के लिए या कहीं पे गॉल ब्लैडर वगैरह के अंदर स्टोन को लोकेट करने के लिए एक्सरेज को यूज करते हैं। क्यों? देखिए, फॉर एग्जांपल हम देखें कि लेट्स से ये हमारी बॉडी की बोन्स है और इनके ऊपर ये स्किन है या फ्लैश है, और हमें पता है कि एक्सरेज की बोन से पास होने की और बॉडी से या फ्लैश से पास होने की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। दे हैव डिफरेंशियल पेनिट्रेटिंग पावर। कि एक्सरेज हमारी स्किन से तो पास हो जाती हैं लेकिन बोन से पास नहीं होती। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी बोन ठीक है, इनके ऊपर एक्सरेज स्ट्राइक की जाए
और ये इस बोन से पास नहीं हो पाएंगे और वापस हो जाएंगे. लेकिन इन केस इफ देयर इज अ फ्रैक्चर इन बोन, बोन के अंदर फ्रैक्चर है, उसके ऊपर उसी तरह से एक्सरेज पड़ेंगी, लेकिन जिस जगह से फ्रैक्चर है वहां से एक्सरेज पास हो जाएंगी. ये हमें बताएगा कि बोन के खास एरिया में फ्रैक्चर है. दैट इज द वे हाउ टू लोकेट फ्रैक्चर इन बोन बाय यूजिंग एक्सरे, वन थिंग. इस सिमिलर मैनर में कि अगर बॉडी में गॉल ब्लैडर वगैरह में कहीं पर भी कुछ स्टोन है तो बॉडी के बाकी पार्ट से तो एक्सरेज पास हो जाएंगी, लेकिन उस एरिया से पास नहीं हो पाएंगी. तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर स्टोन है या कुछ तरह की चीज़ मौजूद है. दूसरा इम्पोर्टेंट यूज़ XRD, एक्सरे डायफ्रेक्शन एनालिसिस. एक ख़ास किस्म का एनालिसिस है जो मटेरियल की क्रिस्टलिनिटी को चेक करने के लिए यूज होता है. इसी को 1953 के अंदर एक्सरे डायफ्रेक्शन एनालिसिस को वॉटसन एंड क्रिक ने यूज किया था और उन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया. इसी तरह से अगर हम देखें ये यूज होता है इंटर आयनिक डिस्टेंस इन आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड में इंटर आयनिक डिस्टेंस के जो आयंस हैं स्पेसिफिक लैटिस पॉइंट पे उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक्सरेज को यूज की जाती है. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ एक्सरेज विच वी हैव डिस्कस्ड हियर. आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग रॉन्सन मैथड. Now, I am clear that you must understand this topic. Thank you very much.